अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़ और मैं हूँ राशिदा हफीज़। सबसे पहले हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर का दौरा किया और लाहौर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ को फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सिपा सलार ने कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और कोरोना वबा के खिलाफ उठाए इकदाम को सराहा। बलोचिस्तान में DG नैब के नाम पर करप्शन केसेस के मुलजिमान और सरकारी अफसरान को जाली फोन कॉल्स का इंकशाफ हुआ है, जिसके बाद नैब का इंटेलिजेंस विंग मुतहरिक हो गया। नैब बलोचिस्तान के मुताबिक अदारे के नोटिस में आया है कि कुछ जालसाज नेट कॉल्स के मुख्तलिफ IP से DG नैब के नाम पर जेर तफ्तीश मुलजिमान और दीगर मुतलका अफराद को फ़ोन कर रहे हैं, जो सरीहन फ्राड और जालसाज है। इससे मुतलिक नैब ने अपनी इंटेलिजेंस को भी मुतहरिक कर दिया और मुतलका अदारों को भी कार्रवाई के लिए कहा गया। सऊदी अरब में रियाद सीज़न 2021 के तहत अंदरूनों बैरून मुल्क के सियाहों और शायकीन की दिलचस्पी का मरकज़ बना हुआ है। तफरीही प्रोग्राम देखने के लिए विजिटर रियाद का रुख करने लगे। सरकारी खबर रसां एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी अरब की मशहूर और मकबूल तरीन सियाहती सरगर्मियों और प्रोग्रामों में से एक है। मटियारी सिंध के ज़िले मटियारी में मालगाड़ी की दो बोगियाँ पटरी से उतर गई, जिसके 22 ट्रेनों की आमदरफ़्त मुअत्तल हो गई। सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस मटियारी के मुताबिक मालगाड़ी लाहौर से कराची जा रही थी। बोगियाँ उतरने की वजह से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, ताहम कराची से लाहौर आने जाने वाली गाड़ियों की आमदरफ़्त मुतासिर हुई है। नाजरीन, इस्लामाबाद से आपको आगाह करते चले, मशीर खजाना शौकत तरीन के लिए अपनी सेनेट की नशस्त की कुर्बानी देने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर अयूब अफरीदी को वजीर आजम का मशीर ब्राय समंदर पार पाकिस्तानी तैनात कर दिया गया। अयूब अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा से जनरल नशस्त पर सैनिटर मुंतखब हुए हैं। इन्होंने आज अपनी नशस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। हुकूमत का इरादा है कि उनकी जगह शौकत तरीन को सैनिटर मुंतखब कर लिया जाए, ताकि इन्हें वफाकी वजीर का ओहदा दिया जा सके। अयूब अफरीदी ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन सैनेट सादिक संजरानी को जमा कराया, जो मंजूर करते हुए इन्हें डीसेट करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज को फॉलो कीजिए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान राशिदा हफीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।